नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज विकास खंड चंबा की पंचायतों के प्रधानों ने उपायुक्त से बैठक करके मनरेगा के कार्यों में मटेरियल से संबंधित फंड्स में देरी होने से विकास कार्यों की गति रुकने की समस्या को साझा किया। पेश है इस संबंधी हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। के प्रधानों ने एक मीटिंग उपायुक्त महोदय से ली थी और उन्होंने इस मीटिंग को हर्ष स्वीकार किया। हमारी कुछ एक समस्याएं थी जो हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे और जो निर्णय उपायुक्त महोदय के हाथ में होंगे उनसे करवाने के लिए हमने मीटिंग रखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले है कि मनरेगा जो एक कानून है उसके अंतर्गत लोगों को जो है उनकी इच्छा के अनुसार मजदूरी मिलती है और मजदूरी के साथ साथ जो कुछ काम होते हैं उसमें मटेरियल की भी बड़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो पिछले काफ़ी समय से लेबर की पेमेंट तो लगातार हो रही है परंतु मटेरियल का पैसा जो है वो समय पर ना आने के कारण हमारे काम जो है मनरेगा के बाधित हो रहे हैं, क्योंकि धरातल के ऊपर पंचायत प्रधान और पंचायतें ही हैं जो कार्य करवाती हैं। तो इसके लिए हमने उपायुक्त महोदय से ये भी मांग रखनी है कि हर तीसरे माह जो है जिला चंबा के, मैं तो यही कहूँगा कि सभी प्रधान हैं उनकी बैठक जो है समीक्षा बैठक ली जाए और विशेषकर हम चंबा ब्लॉक के तो ये चाहेंगे और ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी हर तीसरे माह जो है समीक्षा बैठक हो। उसमें अगर कोई कमी आती है, कोई विभाग हमें सहयोग नहीं कर रहा है, कोई और लोग हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी देखा जाएगा और इसमें जो है हमारा चंबा जिला पिछड़ेपन से जो है पीछे हटने के लिए या पिछड़ेपन से कलंक को धोने के लिए जो है हमारे प्रधान जो है कारगर सिद्ध होंगे। और एक सबसे बड़ी बात और है कि हम ये चाहते हैं कि हर महीने जो है ब्लॉक स्तर के ऊपर खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी, पंचायत प्रधान, इसमें सचिव, रोजगार सेवक, टेक्निकल सहायक या जो PI होते हैं, इनकी अगर हर महीने हमारी बैठक होती है तो उसमें जो भी काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा भी हो जाएगी और कोई भी अनियमितता होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई काम में कमी होगी तो उसे सुधारा जाएगा। इन विषयों के ऊपर आज हम जो है उपायुक्त महोदय के समक्ष आए हैं और इन्होंने हमें समय दिया है, हम इनका जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं।